सिटी न्यूज झारखंड व पाए झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बंशीधर महोत्सव की तैयारी को लेकर मंगलवार को अनुमंडल कार्यालय के सभागार में एसडीओ आलोक कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महोत्सव को भव्य बनाने के लिए उपस्थित लोगों ने अपने अपने विचार रखे। एसडीओ आलोक कुमार ने कहा कि गौरव की बात है कि बंशीधर महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में सबकी सहभागिता जरूरी है। इस आयोजन को जिले और प्रदेश ही नहीं बल्कि देश स्तर का सबसे सफल आयोजन बनाना है। एसडीओ ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर कार्यक्रम को लेकर तैयारी जारी है, लेकिन स्थानीय लोग भी इसमें अपनी तरफ से सहयोग कर इसे भव्य बनाने में योगदान थे। उन्होंने लोगों से महोत्सव के सफल आयोजन के लिए सबसे सुझाव मांगा। मौजूद लोगों ने शहर की साफ सफाई, मंदिर जाने वाले सभी सड़कों की सफाई, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट की दुरुस्त व्यवस्था करने, शहर को जाम से मुक्ति दिलाने सहित अन्य सुझाव दिए। वहीं इस दौरान स्थानीय स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित करने पर बल दिया गया। महोत्सव के पहले दिन शोभा यात्रा निकालने की बात कही गई। शहर के सभी जर्जर बिजली पोल तार को दुरुस्त करने की बात भी लोगों ने कही। इसके अलावा स्टेशन रोड, मेन शहर, आयोजन स्थल, मंदिर जाने वाले सड़क के दोनों ओर आकर्षक लाइट से सजावट करने की बात कही गई। एसडीओ ने शहरवासियों से अपने अपने घरों को एक समान पेंटिंग करने की अपील की। वहीं महोत्सव के दौरान शाम में दिवाली की तरह सभी घरों को लाइट से स्थानीय लोग सजाएंगे। एसडीओ ने स्थानीय लोगों से एक कमेटी बनाकर काम करने की बात कही। बैठक में पूर्व मंत्री रामचंद्र केशरी, कार्यपालक दंडाधिकारी अजय तिर्की, बीडीओ श्रवण राम, प्रमुख उर्मिला देवी, बी सूत्र अध्यक्ष शैलेश चौबे, नगरपालिका अध्यक्ष विजय लक्ष्मी देवी, उपाध्यक्ष लता देवी, उपप्रमुख गणेश प्रताप देव, जिप्स प्रतिनिधि प्रमोद कुमार, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष मुक्तेश्वर पांडे, अमरनाथ पांडे, सांसद राम वी सूत्रीय, उपाध्यक्ष ईश्वरी चौधरी, पूर्व प्रमुख रविंद्र पासवान, सुनील दास, हृदयानंद कमलापुरी, अनूप निराला, रजनीकांत मधुर भोलू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। श्री वंशीधर महोत्सव का आयोजन हो रहा है। हम सभी पदाधिकारियों को, अपने मुख्यमंत्री महोदय को, सांसद महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बाबा वंशीधर मंदिर सूर्य मंदिर ट्रस्ट की ओर से। और ये मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वंशीधर महोत्सव हो तो वंशीधर मंदिर की रंग रोगन, लाइट की सजावट, वंशीधर मंदिर से लेके जहाँ तक आयोजन होना है इवेंट के लोग व्यवस्था वहाँ करेंगे गोसाई बागी तक, वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था हो। रात और दिन पूरे नगर उटारी में एक दूसरा वृंदावन का माहौल हो और पूरे नगर उटारी को, मैं सभी नगर उटारी वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने घर पे जो है दीपक जलाएं और रंग रोगन अपने घर पे करवाएं। और वंशीधर महोत्सव दो दिन 27 और 28 को मनाई जाएगी। उस दिन वंशीधर मंदिर में सभी विद्वान पंडितों के द्वारा मंत्र का उच्चारण होता है, भगवान वंशीधर की पूजा होती है, सीएम महोदय आएंगे। 27 तारीख को छठ का भी आयोजन है, उस दिन भी हम लोग ट्रस्ट के लोग व्यवस्था करेंगे कि छठ पर्वतीन के लोग कैसे बैठेंगी और बहुत से व्यवस्था होगा। अभी हम लोग फिर जो है वंशीधर महोत्सव के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। वंशीधर महोत्सव के बारे में बताइए। देखिए, 4 साल के बाद वंशीधर महोत्सव के आयोजन को लेकर के घोषणा होते ही लोगों में काफी खुशी है। इस बार भव्य और दिव्य आयोजन को लेकर के लोगों में उत्साह है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग अपने हिसाब से जो कार्यक्रम प्रभात फेरी झांकी जो निकाली जाती थी उसको निकालने के लिए वे लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से आज मीटिंग बुलाई गई थी, मीटिंग में लोगों का सुझाव लिया गया है कार्यक्रम कैसे होगा। अगली मीटिंग में प्रशासन इसकी घोषणा तय करके कर देगा। ट्रस्ट की ओर से भी जो पहले से कार्यक्रम किया जाता रहा है वह कार्यक्रम होगा, इसकी पूरी तैयारी है। एक एक लोग इसको जन जन का महोत्सव मनाने के लिए आगे आए। पता होगा वंशीधर महोत्सव का जो डेट निर्धारित हुआ है 27 और 28 हुआ है, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने यहाँ के प्रबुद्ध लोगों के साथ, राजनीतिक दलों के साथ, सबके साथ बैठक की और उन लोगों का क्या सुझाव है, पहले कैसे हुआ है, उसमें जो खामियां रही हैं उसको कैसे दूर करना है और हम लोगों को ये वंशीधर महोत्सव एक ऐतिहासिक महोत्सव की तरह मनाना है, उसके लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ें करना है, उसी के रिस्पेक्ट में मीटिंग किया गया और बहुत ही ज़्यादा डिटेल डिस्कशन हुआ। जो भी यहाँ के लोगों के द्वारा सुझाव दिया गया है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और हम लोग ये उम्मीद नहीं, विश्वास करते हैं कि यहाँ के लोगों को भरपूर सहयोग मिलेगा और हम लोग जो वंशीधर महोत्सव पिछले 3-4 साल में नहीं हो पाया, इस बार हो रहा है,
उसको बहुत ही अच्छे से मनाएंगे और ऐतिहासिक पहचान देंगे बंसीधर महोत्सव। सर तैयारियां अलग अलग लेवल पे हैं, जैसे कि जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाना है वो इवेंट मैनेजमेंट या इवेंट मैनेजर जो करेगा उसका सिलेक्शन जिला स्तर पे होगा। कलाकारों को बुलाना है उनके लिए कमेटी गठित की गई है, तो उसमें किन किन कलाकारों को बुलाना है उसका डिसीजन किया जाएगा। यहाँ के लोकल कलाकारों को भी मौका दिया जाएगा। इसके अलावा विधि व्यवस्था से रिलेटेड जो भी हमारी तैयारियाँ रहती वो हमने किया, और लोकल स्तर पे हम लोग बंसीधर महोत्सव को एक अलग पहचान कैसे दे सकते हैं उसके लिए घरों पे बंसीधर महोत्सव के मंदिर की पेंटिंग या भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की पेंटिंग अलग अलग तरीके से कैसे करना है उस सब बारे में बकायदा बहुत ही डिटेल डिस्कशन किया गया। और हम लोग को उम्मीद है कि सारे लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे और बहुत ही अच्छे से बंसीधर महोत्सव मनाएंगे।